गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वर्ण विचार पढ़े थे, यहाँ हम लोग शब्द विचार पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले शब्द क्या होते हैं, शब्द क्या होता है, तो यहाँ हम कहें कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कैसे? क, ल और म, ये तीन वर्ण हो गए, और तीनों वर्ण को जब हम मिलाते हैं तो कलम बनता है और ये सार्थक शब्द हो जाता है। ये क्या होता है, सार्थक शब्द हो जाता है वर्ण को मिला करके, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब इसके बाद होता है पद। पद किसे कहते हैं, पद क्या होता है, तो निरर्थक शब्द भी जब वाक्य में प्रयोग होते हैं, जो निरर्थक शब्द होते हैं वाक्य में प्रयोग होते हैं और सार्थक बन जाते हैं, वो पद कहलाते हैं। जैसे झीक झीक, ये झीक झीक जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, राम और मोहन के बीच झीक झीक हो रहा था, तो यहां झीक झीक का अर्थ बहस हो जाता है, राम और मोहन के बीच बहस हो रहा था। यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो पद बन जाता है, यानी निरर्थक शब्द हो लेकिन वाक्य में प्रयोग होके जब सार्थक बन जाता है तो वो पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पे किया गया है। शब्द के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो चार आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द पांच प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आकर बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होता है वो तत्सम शब्द होता है। जैसे रात्रि, अश्व और जल। रात्रि, अश्व और जल ये तीनों संस्कृत शब्द हैं जो हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, इसलिए यह क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। दूसरा होता है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को हम लिखते हैं रात, घोड़ा और पानी, तो यहां ये रात, घोड़ा और पानी क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द हो जाते हैं। इसके बाद आता है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, अपने क्षेत्र के कारण होते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, लोटा, ये क्या हो गए, देशज शब्द हो गए। अब हम बात करें विदेशज शब्द की, तो विदेशज शब्द में क्या होते हैं, जो शब्द विदेशों से आए हुए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। तो विदेशज शब्द कई देशों से आए होते हैं, जैसे अंग्रेजी से स्कूल हो गया, मास्टर, टेलीफोन, उसके बाद से अरबी से औरत, वकील, कलम, फारसी से चश्मा, दुकान, चिराग, तुर्की से खच्चर, कूली, कुर्ता, ये सब विदेशज शब्द हो गए। इसके बाद आता है लास्ट वाला संकर या मिश्रित शब्द। तो ये क्या होता है, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द जब आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द का रूप देते हैं, वहां क्या होता है, संकर या मिश्रित शब्द। मिश्रित कहने से ही पता चलता है कि मिला हुआ शब्द। जैसे हम बात करें टिकट, घर,
तो घर जो है वो हिंदी है और टिकट जो है वो अंग्रेजी है, यानी दो भाषाओं से मिल करके यह बना है टिकट घर, इसलिए यह क्या हो गया, संकर या मिश्रित शब्द हो गया। अब आते हैं हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। इसमें पहला जो होता है रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ शब्द क्या होता है, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होता, वह एकदम रूढ़ होता ही है, उसका टुकड़ा कर दीजिएगा तो कोई अर्थ नहीं होगा, वो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक का अगर टुकड़ा कर दें तो नाक का ना तो कोई अर्थ होगा और क का भी कोई अर्थ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा, इसको खंडित किया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बाद होता है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये सार्थक शब्दों से दो शब्द या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं और उससे नया एक शब्द बनता है तो क्या होता है, यौगिक शब्द होता है। जैसे हम बात करें रसोई घर, ये रसोई और घर दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसलिए यह क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। यहां हम बात करें विद्या और आलय, ये दोनों शब्द मिले हैं तो क्या बना है, विद्यालय बना है, ठीक है। तो ये होते हैं यौगिक शब्द। अब हम आते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द अपने सामान्य अर्थ से हटकर किसी विशेष अर्थ को, किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, इन्हीं को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम चारपाई कहते हैं तो चार पैरों वाली वस्तु हो जाती है। लंबोदर कहते हैं तो लंबे उदर वाला यानी लंबे पेट वाला हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब आते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। एक होता है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वह क्या होता है, एकार्थी शब्द होता है। जैसे लोटा, लोटा का अर्थ लोटा के अलावा कुछ नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो गया, एकार्थी शब्द हो गया। ईंट हम कहें, ईंट का ईंट के अलावा कोई अर्थ नहीं होता। घर का घर के अलावा कोई अर्थ नहीं होता। गेहूं का गेहूं के अलावा कोई अर्थ नहीं होता। तो ये सब क्या हो गए, ये एकार्थी शब्द हो गए। अब आते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द की अगर हम बात करें तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पत्र, पत्र कहते हैं तो पत्र से पत्ता होता है, खत होता है, चिट्ठी होता है, ये सब अनेक अर्थ देते हैं। पत्र से अनेक, एक से अधिक अर्थ मिलता है, इसलिए यह अनेकार्थी शब्द हो गया। हम फल कहते हैं, फल जब कहते हैं तो फल में आम भी आता है, अनार भी आता है, सेब भी आता है, बहुत सारे फल आते हैं, और उस फल के अलावा भी इस फल का एक और अर्थ होता है, वो होता है धार वाला जो हथियार होता है, उसका धार होता है, उसी को फल कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द। अब इसके बाद आता है
पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एक जैसे अर्थ को, जो शब्द एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं उसी को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख, नेत्र, नयन, ये सब एक ही जैसे अर्थ प्रकट करते हैं, तो ये क्या हो गए? ये पर्यायवाची शब्द हो गए। लोचन, ये सब क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं विलोम शब्द। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द, जो शब्द उल्टा, शब्द को उल्टा कर देते हैं यानी उल्टा अर्थ देते हैं उसको विलोम शब्द कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं कठोर, तो कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा जी? कोमल। धरती लिखते हैं, धरती का उल्टा क्या हो जाएगा? आकाश। तो उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक होते हैं विकारी और दूसरा अविकारी। यही दो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से वाक्य में अपना रूप बदल देते हैं, और यही जब अपना रूप बदल देते हैं तो इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हम लड़का कहते हैं तो लड़का से लड़को हो जाता है, इसको हम लड़के भी लिख सकते हैं, तो ये अपना रूप बदल देते हैं। लड़का जा रहा है, लड़के जा रहे हैं, यहां रूप बदल जाता है, इसलिए यह विकारी शब्द हो गया। कहने का आशय यह है कि जब जो शब्द अपना रूप बदल देते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में वाक्य में प्रयोग होने पर जो अपना रूप नहीं बदलते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। हम बात करें कहां, क्यों, ये कभी नहीं बदलते हैं, ये जैसे के तैसे रहते हैं, इसलिए ये अविकारी शब्द होते हैं। तो प्रयोग, तो ये होते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द अपना रूप बदलते हैं, अविकारी शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।